हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, थिंक टैंक में आपको खुश आमदेद कहते हुए मैं हूं सैयदा आयशा नाज़। मेरे साथ मौजूद अयाज अमीर साहब, प्रोफेसर डॉक्टर हसन अस्करी साहब, सलमान गनी साहब और जनाब हारून रशीद साहब। आज हम थिंक टैंक के सामने ये सवाल रखने जा रहे हैं कि आला अदलिया को दीगर मामलों में मुदाखलत क्यों करना पड़ती है। आज से तकरीबन एक हफ्ता पहले चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि उनके पास ना तो लामहदूद इख्तियार हैं और ना ही वो हर मामले में मुदाखलत कर सकते हैं। ताज़ा बयान में उन्होंने कहा कि मुदाखलत का तसव्वुर नहीं रखते लेकिन मजबूरी में मुदाखलत करना पड़ती है। अयाज साहब, कौन सी ऐसी मजबूरी है जो मुदाखलत करवा रही है? सो पहले तो आप मुझे इजाजत दें, आज ईस्टर है क्रिश्चियंस का, क्रिश्चियन पूरे थिंक टैंक की तरफ से मसीही बरादरी को, जो भाई और बहन उनका क्रिसमस के बाद बड़ा त्यौहार है, उनको मुबारक हो और उनकी खुशियां जो है इसमें दुबाला हो। जो आपने सवाल किया है, और काम करते नहीं, सारे के सारे इश्यूज जो चीफ जस्टिस साहब उठा रहे हैं वो आम आदमी के हैं। साफ पानी, दीगर जो बातें हैं हस्पतालों की, पता नहीं कितना अरसा से तख्ते लाहौर पे बैठे हुए, हमने ये किया, हमने वो किया। भाई चकवाल छोड़ें, डेरा गाजी खान छोड़ें, ये पड़ोस में हमारे जहाँ पे हम बैठे हुए थिंक टैंक, यहाँ के अस्पतालों में चले जाएं, ऐसी हालत है कि आदमी को रोना आ जाए। लेकिन मजाल है जो कुछ है, हकूमत यारबाजी से फोटो लगाए जा रहे हैं अखबार। जस्टिस साहब ने जुल्म कर दिया, जुल्म की इंतहा कर दी कि वो पाबंदी लगा दी, और पाबंदी लगाई है उसका नतीजा ऐसे लग रहा है कि हुकूमत गायब हो गई है, हुकूमत नजर ही नहीं आ रही कहीं से। वो करकर्दगी क्या उसी को, और माल रोड पे वो जो उतर गए सारे, वो हैट वाले उतर गए, वो सारे उतर गए। अभी वो जाते हैं, कहते हैं अभी कि जी हम कहाँ गए थे, लंदन गए थे, किसके लिए? तिब्बी मुआयने के लिए। मतलब है आप रंजीत सिंह का मुकाबला करके लंबा अरसा हुक्मरानी, यहाँ पूरे पंजाब में सबसे बड़ा सूबा ना सिर्फ पाकिस्तान का, ये हिंदुस्तान में भी हो तो बहुत बड़ा सूबा कहलाएगा, उसमें एक तिब्बी हस्पताल ऐसा तिब्बी जगह नहीं है जहां पे इनके नाजुक दिल जो हैं और इनकी नाजुक रीढ़ की हड्डी, वो स्ट्रेटेजिक और डायलॉग क्या होनी है, स्ट्रेटेजिक बैकबोन है, जब जरूरत पड़े भड़क उठती है हमारी वो जो कमर जो है उसमें दर्द हो गया। अब कोई पंजाब का अस्पताल में इनका इलाज नहीं हो सकता, कहीं नहीं हो सकता। ये हुक्मरानी के ये तक, अगर वो नहीं करेंगे चीफ जस्टिस साहब मजबूरन, और चीफ जस्टिस साहब को सलाम देना चाहिए, ये भाटी गेट के रहने वाले हैं, सन ऑफ द सॉइल हैं, जानते हैं वहां पे क्या मसाइल हैं, आम आदमी के क्या हैं। इनको किसी जनरल जिलानी ने चीफ जज नहीं बनाया, इनको किसी जियाउल हक ने उठा के नहीं बना दिया। वहां पे ये जो है ये कॉमन मैन के प्रॉब्लम जो है कर रहे हैं, और तकलीफ जो हो रही है रायबंद और जाति उमरा के गिर्दो नवा, जो तकलीफ हो रही है कि ये चीफ जस्टिस, इसे तो हम कहते हैं हमारा बंदा है, मतलब ये जब वजीर आजम थे तो ये लॉ सेक्रेटरी थे, टैलेंट तो लॉ सेक्रेटरी थे, नीचे तो क्या है, हमारा बंदा ये हमें पूछ रहा है। अच्छा। और कह रहे हैं कि हस्पतालों का दौरा जो है, हस्पतालों का दौरा का टारगेट हम हैं। अजीब ही काम है भाई, आप नहीं काम करेंगे वहां से 2008 से लेके आज तक, आप सवाए जो आज इमरान खान ने कहा सरिये का, सरिये और सीमेंट का शहर बना दिया है, और शाहजहां की और जहांगीर की और नूरजहां के रूहें तड़पेंगी जो लाहौर का हशर यहाँ पे कर दिया गया है, सीमेंट के जो अंबार यहाँ पे लगा दिए गए हैं, यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स लगा दिए हैं, वो भी चीफ जस्टिस भी कहते हैं, ये भी लेकिन, और ये लेकिन बार बार हारून साहब आपने भी इससे पहले कहा वजाहत नहीं देनी चाहिए, बार बार वजाहत क्यों करनी पड़ी? वो फिर कह रहे हैं कि लोग समझते हैं मैं टेक ओवर के चक्कर में हूँ, ऐसा नहीं। आप वो तो नहीं कहने चाहिए, ये चीफ जस्टिस साहब जिस मोहल्ले के रहने वाले हैं ना, वहाँ एक छोकरा था तो चीकू उसका नाम था, लेकिन वहाँ अंदरूनी लाहौर नाम इसी की तरह होते हैं, तो वो उसकी वो थड़े पे सामने जाकर बैठ जाता तो उसकी अम्मा उसे आवाज़ देती थी, चीकू आ जा, चीकू नहीं जाता था, फिर आधे घंटे के बाद आवाज़ चीकू, फिर चीकू नहीं जाता था, फिर वो आवाज़ आती है और चीकू बांदर दे बच्चे आ जा, तो चीकू भागता हुआ जाता था।
बात ये है, बात ये हुकूमत होती किस लिए है? हुकूमत का काम है मुल्क का दिफा करना और लैंड ऑर्डर ठीक करना और टैक्स कलेक्शन, और जब उसके पास पैसे होते हैं जो होने चाहिए, जो ये तो 30-25% लोगों से टैक्स वसूल करते हैं, बाकियों से करते ही नहीं, क्यों नहीं करते ना, इसकी वजह कभी जरदारी साहब ने बताई है ना इन्होंने बताई है, वो जो मार्शल ला लगता है टैक्स बढ़ जाता है, ज़्यादा लग के ज़माने में 16% होता था, और वक्त गुजरने के साथ हमेशा रियासतों में टैक्स की शरह बढ़ जाती है, 16 से 20-25% पर होनी चाहिए थी, वो 9% पर रह गया, फिर इसहाक डार जैसा शख्स नाजिल हो गया। फिर उनका काम क्या है? सबसे अहम चीज़ जिस पर इंसान ज़िंदा रहता है वो पानी, पीने का साफ पानी। स्कूलों में पढ़ाई ठीक होनी चाहिए, अगर नहीं ठीक हो रही तो बतदरीज उस पर मेहनत कीजिए, वो ठीक हो जाएगी। हस्पतालों में दवाएं आपके पास है, बड़े बड़े मंसूबों के लिए सैकड़ों अरब रुपए हैं, 400-500 अरब रुपए इन्होंने बड़े मंसूबे पर खर्च किए हैं, इससे ज़्यादा किए हैं, और फिर उस पर सब्सिडी भी जाएगी। वो भाई दवाई पे तो साल में 10-15-20 अरब रुपए खर्च होंगे, नए अस्पताल नहीं बने, 100 अस्पताल बनाओ, इतने बड़े बड़े इश्तहार छापे थे नवाज शरीफ साहब ने, 100 या 90 कितने कहा था अस्पताल बनेंगे, वो अस्पताल कहाँ? जब आप काम नहीं कर रहे वो खल्क खुदा चीखो पुकार करे, वो आदमी डूब रहा हो तो बचाने वाले से ये थोड़ी पूछते तुम कौन हो जी, तुम्हारी जात पात क्या है, तुम किस कबीले के हो, तुम्हारा मजहब क्या है, तुम्हारी शरीयत क्या है। चीफ जस्टिस साहब की अप्रिसिएशन इसलिए हो रही है, देखिए ये अभी इस वक्त तक दो वजूह से वो मुतर्रक हुए, एक तो ये कि कोई काम नहीं हो रहा जिस तरह के होना चाहिए और कहीं भी नहीं हो रहा कि पूरी तरह से, और सिंध में तो हालत इतनी ख़राब है कि खुदा के फना, और बलूचिस्तान में तो आधे से ज़्यादा पैसा वैसे ही हड़प कर लिया जाता है। यहाँ भी जो ठेकेदारी निज़ाम है एवरीबडी नोस, ठीक है, वो बात लंबी ना हो जाए, वो गुजरखा में एक गली का टेंडर कैंसिल हो गया 5 लाख रुपए का, तो लोग प्रोफेसर अहमद रफीक अख्तर के पास आए जी गली का कुछ करें, उन्होंने कहा अच्छा चंदा करके करते हैं, सारे थोड़े थोड़े पैसे दो, 1 लाख रुपये में वो गली बन गई। तो ठेकेदार ने गली की नुक्कड़ पर खड़े होकर कहा जब तक ऐसे लोग जिंदा हैं हम तो रिश्के हलाल नहीं कमा सकते। अच्छा अरे भाई ये ठेकेदारी निज़ाम, ये टैक्स कलेक्शन का तरीका, ये स्कूल, ये अस्पताल, ये अदालतें, कोई आदमी अगर थाने चला जाए तो क्या इस बात का यकीन है कि वो जख्मी हुए बगैर वापस, तोहीन और जिल्लत से गुजरे बगैर वापस आ जाएगा? अब आप बिगनिंग तो करें ना खुदा के बंदो, कहीं से आगाज तो करो, आगाज तो कर दिया। हमें इश्तहार दिखाते हो, हमें ऐसे इकबाल दिखाते हो, हमें तलाल चौधरी दिखाते हो, हमें अनीफ अब्बासी दिखाते हो, आजकल वैसे वो प्रसरार तौर पर गुम है सारे। नहीं ऐसा नहीं, बाल ने तो कहा है कि 4.5 साल तक नैब ने ख्वाब आवर गोलियां खाई हुई थी जो आज एकदम जागे। मैं प्रोफेसर साहब की तरह सवाल लेकर जाऊंगी, नहीं नहीं सवाल ये नहीं है, हारून साहब ने कहा कहीं भी काम नहीं हो रहा, इब्तदा तो हो गई है, जैसे चीफ जस्टिस में पंजाब नहीं हो रहा, कहीं सिविल अदारे नहीं किसी मुल्क में, ठीक उसी की निशानदेही चीफ जस्टिस साहब करें। प्रोफेसर साहब पंजाब और सिंध में तो वो काम करें, इसके बाद अगर वो खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान जाएंगे तो शायद गिले दूर हो जाए सियासतदानों के? देखिए अभी तो आखिर यहाँ के गिले क्या दूर है, यहाँ शिकायतें शुरू कर दी हैं, यहाँ की हुकूमत ने शिकायतें शुरू कर दी, सिंध की हुकूमत ने शिकायतें शुरू कर दी, तो कोई तारीफ थोड़ी करता है। वजह यह है कि जो काम जिनका बुनियादी फ़र्ज़ है अगर वो अपनी जिम्मेदारी सर अंजाम न दें तो कोई ना कोई तो आके उस गैप को फिल करेगा। अगर मेरा मसला है आप थर में जाके पूछिए ना, थर पार करके बच्चों का क्या हाल होता है, उन पेरेंट्स से जाके पूछिए ना जिनके बच्चे मर जाते हैं बीमारी से, भूख से, खुराक की कमी से, और इस मुल्क की इससे ज़्यादा बदकिस्मती क्या है कि हम पाकिस्तान जो है वो एक फूड डेफिसिट कंट्री नहीं है, हम इतना खुराक पैदा करते हैं जो हमारी आबादी के लिए काफ़ी है, इसके बावजूद लोग भूखे सोते हैं, इसके बावजूद लोग खाना नहीं खा सकते, इसके बावजूद खैराती अदारे खाना तकसीम करते हैं ताकि गरीब लोगों तक पहुंच सके, आखिर ये क्यों है और इसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो जिम्मेदारी है डिस्ट्रीब्यूशन की, जिसकी जिम्मेदारी है अवाम की फलाह करना, वो अपनी फलाह में लगा हुआ है। अगर आप अपनी फलाह करेंगे तो कोई ना कोई तो आपको कहेगा ना, आप आइन को तो उठा के देखिए ना, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, किसके पास है फंडामेंटल राइट्स? अगर आप साहिब इक्तदार हैं, ताल्लुकात वाले हैं, आपके पास पैसा है तो हर चीज़ आपके लिए है, यहाँ भी इलाज करवा लें, अमरीका बरतानिया जाके भी इलाज करवा लें, और अगर आप आम आदमी हैं तो यहाँ हॉस्पिटल में जो निज़ाम की काहली और सुस्ती की आप बात करें, उसी तरह निज़ाम में काहली और सुस्ती उधर भी है जहाँ 18 लाख मुकदमात पड़े हैं, अभी तक उनकी समाप्त नहीं होती या वो टलते रहते हैं।
तो बस वही एक चीज रह गई है आपके पास। हाँ। देखिए उस तरफ भी इन्होंने तवज्जो दी है। अगर आप पिछले 5 साल के अंदर कारकर्दगी को देखें वो इम्प्रूवमेंट आपको नजर आती है। और फिर एक और चीज़ जो आपको समझना ज़रूरी है कि जब मुकदमा डिले होते हैं वो सिर्फ जुडिशरी की वजह से नहीं होते, उसमें क्लाइंट का भी एक मकसद होता है, वकला का भी एक रोल होता है, जिसकी पुलिस का भी एक रोल। देखिए इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन और उसके बाद तीसरे नंबर पे जुडिशरी आती है। जब तक ये तीनों अपना अपना किरदार अदा नहीं करेंगे कुछ केसेस पेंडिंग की बात करें पेशियां जो है वो चलती रहेंगी। देखिए जिन इश्यूज की बात की गई है ये इश्यूज तो मौजूद हैं। और सवाल आपने उठाया है कि अदलिया मुदाखलत क्यों करती है। देखिए आज जो क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है वो इस बात पर नहीं हो रहा है कि अदलिया मुदाखलत क्यों करती है, अदलिया मखसूस हालात में मुदाखलत क्यों करती है। आप उसकी टाइमिंग देखें के बाद ये कि चीफ जस्टिस साहब तो गुज़िश्ता 3 साल से चीफ जस्टिस है और पाकिस्तान हो गया। हाँ जी, तो बाद इससे पहले भी अदलिया मौजूद थी और अदालतों का अपना ही काम है, वो फैसले करते हैं इंसाफ और कानून और आइन की बालादस्ती के लिए, इंसाफ की फरहमी के लिए। और जिन इश्यूज़ की निशानदेही की गई है वो इश्यूज़ लोगों से मुंसलिक हैं। अब बात ये कि ये बुनियादी तौर पर हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि जी पीने का साफ पानी, हॉस्पिटल की सूरत हाल, गवर्नर सैद साहब, और ये अभी जैसे कहा गया कि जी पंजाब में ये हो गया, भाई पंजाब की सूरत हाल तो बाकी सूबों से बहुत बेहतर है इन सारे इश्यूज़ पे। और ये मैं नहीं कह रहा, आप जितनी सर्वे रिपोर्ट्स उठा के देख ले, सरिये और अगर सीमेंट की बात है तो सरिया और सीमेंट भी तरक्याती अमल में अपना एक बुनियादी रोल अदा कर रहा है। मैंने कल भी कहा था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इमरान खान साहब लाहौर के विज़िट पर निकले हैं तो इन इशूज़